भारत में टेक्नोलॉजी तकनीक के विकास के साथ साथ कुछ और चीजें का विकास भी तेजी से हो रहा है। दरअसल हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक भारतीय लोगों ने अडल्ट मूवी देखने में बाजी मार ली है। इससे ज्यादा अडल्ट मूवी भारतीय लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। साल 2015 में कनाडा को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और इंग्लैंड के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा अडल्ट मूवी देखने वाला देश बन गया। ये जानकारी दुनिया के सबसे बड़े अडल्ट साइट ने दी। अडल्ट साइट ने अपनी सालाना वैश्विक समीक्षा में पाया कि अमेरिकी जहां औसतन 11 सेकंड तक अडल्ट मूवी देखते हैं, तो वहीं भारतीय औसतन 9.5 मिनट तक अडल्ट मूवी देखते हैं, जो कि पिछले साल के आंकड़ों से 1 मिनट ज्यादा है। खबरों की मानी जाए तो वेबसाइट ने कहा है, हमने पाया है कि अडल्ट वेबसाइट पर आने वाले लोग अब ज्यादा से ज्यादा अडल्ट स्मार्टफोन और टैबलेट पर देख रहे हैं। अडल्ट साइट पर साल 2015 में 21.2 अरब बार विजिट किया गया, यानी हर मिनट 40,000 लोग और हर घंटे 2 करोड़ 10 लाख लोग इस वेबसाइट पर अडल्ट मूवी देख रहे थे। इस रिव्यू में कहा गया है कि अडल्ट साइट को स्मार्टफोन पर 53% लोगों ने देखा, जो कि पिछले साल के आंकड़ों में 45% ज्यादा है। दुनिया भर में केवल 36% लोग ही इस वेबसाइट को अब डेस्कटॉप पर देखते हैं। भारतीय लोगों द्वारा इस वेबसाइट पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले हैं इंडियन, भाभी, आंटी और टी। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी भी भारत में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली अडल्ट मूवी स्टार है। वहीं अडल्ट वेबसाइट पर किए जाने वाले कमेंट्स में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द रहा लव। अडल्ट वेबसाइट पर सबसे कम वक्त बिताने वाले देशों में क्यूबा, मंगोलिया और कजाकिस्तान है। इन देशों में औसतन लोग 5 मिनट से लेकर 6.5 मिनट तक अडल्ट मूवी देखते हैं। साल 2015 में इस वेबसाइट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द रहा लेस्बियन। इस साइट को लोग सबसे ज्यादा रात 9 बजे से लेकर आधी रात के बीच देखते हैं। इसके बाद इस पर सुबह तक कम ही लोग नजर आते हैं। फिर दिन चढ़ने के बाद धीरे धीरे लोग आते हैं, लेकिन शाम 4 बजे के बाद एकाएक यूजर्स की संख्या बढ़ने लगती है, जो कि रात के खाने के वक्त तक बढ़ती रहती है। रात के खाने के वक्त यूजर्स की संख्या बेहद कम हो जाती है, जो रात के 9 बजे के बाद बढ़ती है।